कैसे हैं आप? दोस्तों आप देख सकते हैं बस एक होल्डर है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी स्विच नहीं है, सॉकेट नहीं या फिर बोर्ड कुछ भी नहीं है। तो इसको हम ऑन करेंगे बिना स्विच के। तो बिना स्विच के यानी कि बिना स्विच के बल्ब को कैसे ऑन करें? या तो स्विच से या फिर उसे डायरेक्टली ऑन कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं बस रिमोट है जिसे हम जैसे ऑन करेंगे हमारा बल्ब जल जाएगा, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, ये मोस्ट रिमोट है, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, रिमोट काफी जबरदस्त है। तो आज हम कनेक्शन बताएंगे कि रिमोट से बल्ब को कैसे ऑन ऑफ करें या फिर रिमोट कंट्रोल बल्ब कैसे बनाए जाए। तो जैसे हम जहां भी रहें, कहीं भी कमरे में रहें, कहीं से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेटे बैठे सोते हुए कुछ भी करते हुए इसे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं आसान से। चलिए जानते हैं इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है कि आप सिंगल बल्ब को भी रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, फैन को भी बना सकते हैं, जिसका भी आप चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल सिंगल बल्ब लिया है। तो बल्ब को रिमोट से कैसे ऑन ऑफ करें या फिर बिना स्विच के बल्ब को कैसे ऑन करें, इससे ऑन कर सकते हैं। ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो चलिए जानते हैं इसका कनेक्शन कैसे हुआ, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान, आप आसानी से समझ जाएंगे और आप भी अपने घर में अपने बल्ब को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्शन इसमें हो रखा है। ठीक है, यही जो रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड है यही काम करता है आपके बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, जो कि रिमोट से ऑपरेट होता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं इसमें जो वायर है कैसे कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, ये चार स्विच की तरह काम करती है, यानी कि इस रिमोट कंट्रोल से आप चार स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं, दो बल्ब दो फैन या फिर तीन बल्ब एक फैन, जो भी आप लगाना चाहें चार स्विच इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सप्लाई दी गई आप देख सकते हैं दो ब्लैक है, ये दोनों कॉमन है, और जो आपकी सप्लाई है वो आप एक न्यूट्रल और एक फेज यानी कि रेड वाली वायर को आप एज अ सप्लाई यूज करिएगा, और ये जो ब्लैक है ये कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन वायर में आपको लगाना है न्यूट्रल वायर, और यहां से एक पॉइंट लगाना है फेज के लिए, यानी कि जिसे आप स्विच बनाना चाहते हैं या फिर रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको बल्ब को करना है, जैसे हमारे पास ये बल्ब है, तो बल्ब करना है तो फेज वाले पॉइंट पे हम येलो वाली वायर लगाएंगे, ये येलो वाली वायर, और न्यूट्रल वाले पॉइंट में हम इसे लगाएंगे। तो ये कॉमन है तो न्यूट्रल सबके लिए हो जाएगा और एक एक फेज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें बल्ब को लगाना है तो एक वायर इसको लगाएंगे फेज में, इसको न्यूट्रल में, दूसरा पॉइंट लगाना है तो इसको फेज में लगाएंगे, इसको न्यूट्रल में। ठीक है, तो चार स्विच को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई है, ये जो वायर है आप देख सकते हैं ये सप्लाई है। तो सप्लाई हमने क्या लिया है, देख सकते हैं रेड और ब्लैक, न्यूट्रल और ये फेज। ठीक है, हमने सप्लाई यहाँ पर ले ली इस रिमोट कंट्रोल के लिए। उसके बाद हमें एक बल्ब को जलाना था तो हमने एक पॉइंट फेज के लिए ले लिया और एक पॉइंट न्यूट्रल के लिए ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो बल्ब है कि जो वायर है आप देख सकते हैं, तो एक वायर हमें येलो वाली लगानी है, ये हमने लगा दिया, और दूसरा वायर हमें कॉमन वाले पॉइंट में ये ब्लैक में लगाना है। ये हमने कॉमन वाले पॉइंट पे लगा दिया ब्लैक में और ये येलो में। तो हमने वायर को लगा दिया, हमारा जो बल्ब है ये अब रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट हो गया, यानी कि अब ये रिमोट से ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन कर दिया और ये हमारी सप्लाई है यहाँ पर। दोस्तों जब भी आप कनेक्शन करें तो टेप जरूर लगाएं, हम तो यहाँ पर टेम्परेरी काम कर रहे हैं तो आप जरूर टेप लगाइएगा। और ठीक है, और तीन पॉइंट हमने छोड़ के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कनेक्शन कर दिया, अब हम सप्लाई देते हैं, उसके बाद रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम रिमोट से ऑन करेंगे, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, तो काफी अच्छे से वर्क करने लगा। यहाँ पर आप चार चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद है तब भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।